एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर को अंतरिक्ष में फंसे हुए 2 महीने से अधिक वक्त हो गया है। प्लान के मुताबिक बोइंग स्टारलाइनर मिशन सिर्फ 8 दिन का होने वाला था और दोनों एस्ट्रोनॉट की 14 जून तक वापस पृथ्वी पर लौटाने की उम्मीद थी, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण दोनों का पृथ्वी पर वापस आना अब अनिश्चित समय तक के लिए टल गया है। इस स्पेसक्राफ्ट को 5 जून को लॉन्च किया गया था, लेकिन इसके थ्रस्टर में हीलियम लीक से ग्लिच आ जाने के कारण सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर स्पेसक्राफ्ट में फंस गए हैं, जिसके बाद अब ऐसी रिपोर्ट आ रही है जिसके अनुसार ये दोनों एस्ट्रोनॉट 2025 तक स्पेस में फंसे रह सकते हैं। हालांकि नासा दोनों एस्ट्रोनॉट को सुरक्षित रूप से वापस लाने की कोशिश में जुटा तो है, बावजूद इसके सुनीता और विलमोर की वापसी को लेकर संशय भी बना हुआ है। इंटरनेट पर सुनीता विलियम्स और विलमोर की बोन डेंसिटी कम होने, आंखों की रोशनी पर असर पड़ने और स्पेस सूट के ठीक न होने जैसी खबरें लगातार चर्चा में हैं। इधर 2 हफ्ते पहले ऐसी खबरें भी आई थी कि नासा सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर की वापसी के लिए नासा स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन इसके लिए भी फरवरी 2025 तक इंतजार करना होगा। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट वर्तमान में उड़ान भरने वाला एकमात्र अंतरिक्ष यान है जो पृथ्वी पर बड़ी तादाद में कार्गो वापस लाने में सक्षम है और ये मनुष्यों को अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाने वाला पहला निजी अंतरिक्ष यान भी है। ऐसे में नासा इस बात पर भी विचार कर रहा है कि सुनीता और विलमोर को खराब हो चुके स्टारलाइनर में ही फिलहाल बने रहना चाहिए या फिर स्पेसएक्स ड्रैगन की मदद लेनी चाहिए। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना में अंतरिक्ष प्रणाली कमांडर रहे रूडी रोडाल्फी ने सुनीता और विलमोर को लेकर कहा कि अगर नासा इन दोनों की स्टारलाइनर से वापसी को लेकर सोच रहा है तो इसके 3 तरह के खतरे हैं। पहला खतरा, थ्रस्टर फेल हो सकता है और ऐसी स्थिति में स्पेसक्राफ्ट में केवल 96 घंटों का ऑक्सीजन और पावर रह जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 96 घंटों के अंदर ही दोनों को पृथ्वी पर वापस लाना भी जरूरी हो जाएगा। दूसरा खतरा, स्टारलाइनर का हीट शील्ड फेल हो सकता है, इससे कैप्सूल वायुमंडल में जल जाएगा और उसमें सवार दोनों एस्ट्रोनॉट वेपराइज हो जाएंगे, यानी भाप में बदल जाएंगे। तीसरा खतरा, रिडोल्फी के मुताबिक कैप्सूल पृथ्वी के वायुमंडल से बाउंस ऑफ हो सकता है और वो स्पेस में वापस जा सकता है। इसका मतलब है कि एस्ट्रोनॉट हमेशा के लिए ऑर्बिट में कहीं फंसे रह सकते हैं और फिर नासा को उन्हें ढूंढने की कोशिश करनी पड़ेगी। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए रिडोल्फी ने ये सुझाव दिए हैं कि नासा को स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल के साथ रेस्क्यू मिशन लॉन्च करने के बारे में सोचना चाहिए। उनका मानना है कि ये सबसे सुरक्षित उपायों में से एक है। इसके साथ ही उन्होंने नासा को जोखिमों का गहन मूल्यांकन करते हुए तथा अन्य विकल्पों पर विचार करने की भी सलाह दी है, ताकि दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित वापस लाया जा सके।